नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि माधुरी प्रथमे हेडलाइंस ओएसएसए पीएसए बिरंची नारायण साहू आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभिचोक मामला प्रवर्तन निर्देशालय करिप घटनार तदंत एते परिमाणर संपत्ति केउठु आसिला तहार कारण खोजिबो ईडी प्रिवेंशन अफ करप्शन आक्ट्रे कराजिबो तदंत खोजाजिबो मनी लंडरिंग एसएफए सौम्यरंजन मृत्यु मामला न्याय न मिलने मुख्यमंत्री बासभवन आगे आत्महुति चेतावनी दे मां तुलसी घटना को 23 दिन बीती भी आक्शन विद्या गिरफ सह पॉलीग्राफ टेस्ट सौम्य पर दावी श्रीमंदिर खोल ना नहीं निष्पत्ति सारा राज्यवासी नजर आज अपराह 5टे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों अध्यक्षत बस बैठक सेपटे आज खोल काकटपुर मंगला बीरजा और भट्टारिका मंदिर राज्य में खूब शीघ्र हो सेरो सर्वे एने अपराह बस गुरुत्वपूर्ण बैठक आईसीएमआर और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी उपस्थित हो आलोचना डीएमईटी प्रतिक्रिया संक्रमण बढ़ुवा राज्य फेरुवा लोकों पर स्वास्थ्य विभाग कड़ा नजर कोरोना मृत्यु लगुनी ब्रेक राज्य में पुणि 66 जीवन नेला भाइरस खोर्धार सर्वाधिक 18 मृत्यु सेपटे 24 घंटे 1315 पजिट चिन्ह निजुक्ति दुर्नीतिर खोलताड़ बिरंची साहू को चारिदिनिया रिमांड आज प्रथम दिन संपत्ति ठूल सह ओएसएस निजुक्ति लिंक नहीं तथ्य आदाय कर विजिलेंस ओलंपिक्स रे भारत पाई बढ़िला पदकर आशा पुरुष जाभलिन थ्रो फाइनाल रे नीरज चोपड़ा कुश्ती सेमीफाइनाल रे रवि दहिया और दीपक पुनिया सेपटे सेमीफाइनाल रे हारे बक्सर लवलीना आसिया संपूर्ण खबर को ओएसएससी पीएससी बिरंची नारायण साहू आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभिचोक मामला प्रवर्तन निर्देशालय कर तदंत बिरंची निज चाकरी समय सीमा मध्य आय करने मोट अर्थर अधिक परिमाण केमिति अर्जन कले तदंत करते परिमाणर संपत्ति और टंका केउठु आसिला ताहार मध्य कारण खोजिबो ईडी प्रिवेंशन अफ करप्शन आक्ट्रे कराजिबो तदंत मनी लंडरिंग मध्य खोजाजिबो रजिस्टर कर सब दिग्वर तदन कर मनी लॉन्ड्री मेडिसिन तो मनी लॉन्ड्री सब मनी लॉन्ड्री कवर चलती सस्पेक्ट आज स्टार्ट आग को कौन हो देखो ए बाबत अधिक सूचना पाई आम सहित आम रिपोर्टर रोशन रथ जोड़े रही रोशन एवं ईडी हाथ को गला कौन आशा कर कौन सुराक लगे सठिक दिगरे तदंत जीवत देखो माधुरी गोटे पर गोटे जितेबाला तथ्य हस्तगत हो बड़ प्रश्न उठू जे जड़े किराणी अफिसर एत कोटी टकर मालिक केमती हेले वर्तमान विजिलेंस ठू तदंत भार ईडी को दि जाए विजिलेंस तदंत कर किंतु मनी लॉन्ड्रिंग मामला जो गुड़िक रही टंका केमती आसला से गुड़िकर तदंत वर्तमान राज्य प्रवर्तन निर्देशालय कर प्रदर्शन निर्देशालय तार तदंत आरंभ कर सारी पूरा खोलताड़ कर कि भाव में एत टा अर्जन करे एवं जो 265 गुण अधिक आयर 265 गुण अधिक प्रॉपर्टी बाहर से प्रॉपर्टी कौटू आसला एत सुना केमती आसला विदेश के थर जाइंट क्यों टकर विदेश जाइंट से सब घटनार खोलताल वर्तमान ईडी कर अंपटे आम जदि देखा विजिलेंस तनाघना आरंभ कर गत काली आम चित्र देखलु कि भाव में विजिलेंस दुईज डीएसपी टीम जाकि ओएसएससी कार्यालय छानभिन करते गत काली चारिदिनिया रिमांड आनी बिरंची को अधिक पचराउचरा कर सका
ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି ମାରାଥନ ଜେରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବିରଞ୍ଚିଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେ ସମେତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଇଜି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମାରାଥନ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜେରା ଚାଲିଛି ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ। କେମିତି ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଏହା ପଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଯେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଥିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆସିଛି, ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଳତାଳ କରୁଛି। ତ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ବିଭାଗର କାରନାମା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ପଛରେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁରୁ ବୋଧହୁଏ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ସରିବ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶଳାଙ୍କ ନାଁକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଉନି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଓକେ ରୋଶନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିରଞ୍ଚି ସାହୁଙ୍କୁ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ, କୌଣସି ସୁରାକ ଲାଗିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଯେଉଁ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହେଲା, ତାପରେ ଗତକାଲି କୋର୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 4 ଦିନର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିଠୁ ତାର ଖୋଳତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଏମିତିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଶବନ୍ତ ଜେଠୁଆ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା କରିଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାରାଥନ ଜେରା ଆସୁଛି ଏବଂ ଏତେ ସୁନା କେମିତି ଆସିଲା, କେତେ ଥର ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅର୍ଥରୁ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଉପରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ, କେତେ ବର୍ଷରୁ ଏମିତି କାରବାର ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଳ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 4 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଜେରା କରିବ ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏ ଜେରାରୁ ବହୁତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯାହା ଆଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଗୋଟିଏ କିଛି ବଡ଼ ସୁରାକ ଯୋଗାଇବ। ଓକେ, 2 ଜଣଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଇଡି, ସମସ୍ତେ ତ ତଦନ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଏମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ରହିଲା ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ କେମିତି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଇଡି କେମିତି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଇଡି ସ୍ପେସିଫିକଲି କିଛି ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣରେ ଯେଉଁଠି ମାମଲା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ଅର୍ଥ କାରବାର ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ମାମଲାରେ ଇଡି ତଦନ୍ତ କରିଥାଏ କେମିତି ପଇସା ଆସିଲା, ଏ ପଇସା ପଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, କାହା କାହା ଥ୍ରୁରୁ ଏଇ ପଇସା ଆସିଛି, ସେସବୁ ମାମଲାରେ ଇଡି ତଦନ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ହୁଏତ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିପାରେ, ଏ ଯେଉଁ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ସୁରାକ ବଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଉ କିଛି ଅଫିସର ବଡ଼ବାବୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ସୁରାକ ପରେ କେବଳ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପାଖରେ କେସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନା ଆଉ କିଛି ଅଫିସର ଯାହାଙ୍କ ଇସାରା ତଳେ ଏଭଳି କାରନାମା ହେଉଥିଲା, ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ସୁରାକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି, ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଏମାନେ କିଏ, ଏମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବ ନା ନାହିଁ ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ନିହାତି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତକୁ ଯାଇଛି, ଇଡି ହାତକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ତ ମାରାଥନ ଜେରା ଚାଲିଛି, 4 ଦିନିଆ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଛି, 4 ଦିନିଆ ଧରି ଜେରା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ନା ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରଦା ହଟୁଛି, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ କମୁନି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ପୁଣି 66 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ, ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6168ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1315 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଂଘରୋଧରୁ 762 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 553 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 982181କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, 13872 ଜଣ ରୋଗୀ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେରୋ ସର୍ଭେ, ଏନେଇ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବସିବ ବୈଠକ, ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେରୋ ସର୍ଭେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସଂଘମିତ୍ରା ପତି।
करोना संक्रमण ने डीएमईटी प्रतिक्रिया संक्रमण बढ़ुवा राज्य फेरुवा लोकों पर स्वतंत्र नजर रखा लक्षण या लोकों न आसवाई परामर्श दि जाए जदि कौन लोक गली पशि आसुंट से आम डिटेक्ट करुचु प्रति सप्ताह एसीएसओ अध्यक्षतार राज्य टेस्टिंग को नहीं रिव्यू करा पूर्व सप्ताह केते टेस्टिंग कौन स्थिति रही रिव्यू करा जाए स्थिति को समीक्षा करने समस्त जिलापा आरटीपीसीआर टेस्टिंग बढ़ावाई स्वास्थ्य विभाग पक्ष निर्देश दि जाए कटक और भुवनेश्वर में संक्रमण कमुन यह स्वास्थ्य विभाग अधिक फोकस कर बाबत अधिक सूचना सहित दिव्यज्योति महांती आम सहित जोड़े रही रिपोर्टर दिव्य गोटे पटे संक्रमित संख्या कमुचे किंतु मृत्यु संख्या कमुना अंपटे राज्य में खूब शीघ्र सेरो सर्वे कर पूरा तमाम खबर अपडेट कहतु तो देखो मात्र निश्चित भाव में राज्य में संक्रमण स्थिति को नहीं दुईट बड़ खबर वर्तमान सामना को आसुची प्रथम खबर आप देखु राज्य सरकार विशेषकर कटक भुवनेश्वर को अधिक फोकस कर संक्रमण कमुना सबु प्रकार चेष्टा सत्ते संक्रमण कहीं जो आशा कराला से आशा अनुजाई संक्रमण कमुनी ताकु नहीं स्वास्थ्य विभाग सेरो सर्वे करने आरएमआरसी को चिठी लिखी जो कहुई विशेषकर ट्विन सिटी अर्थात द्वैत नगर में कहीं संक्रमण कमुना लोक मितर के प्रतिशत आंटीबॉडी क्रिएट होती लोक मैंने जो संक्रमण को मुकबिला करने सक्षम कि ना से सेरो सर्वे करने चिठी लिखाई स्वास्थ्य विभाग पक्षर आरएमआरसी को लिखा जाए जहां नहीं आज बैठक रही अपराह तीन टे बैठक रही आईसीएमआर और आरएमआरसी तत्वावधान में किभली सेरो सर्वे हम विशेषकर आप जानते जो देश में चतुर्थ पर्याय सेरो सर्वे चलता सेनो जिला ओडार से देखाई पाखापाखि 60% आंटीबॉडी लोक मितर क्रिएट होती किंतु विशेषकर द्वैत नगरी कटक और भुवनेश्वर में केते लोक भितर आंटीबॉडी क्रिएट होती केते लोक कोरोना सह लड़े करने सक्षम से विषय में अनुधान करने गोटे बर्तन प्रस्तुति चलती जहाँ को नहीं बैठक रही अंपटे आ गोटे बड़ खबर जहाँ आसुच्छ वर्तमान समय जे राज्य सरकार कहते जो मैंने बाहर आसान स्वतंत्र नजर रखा कारण कटक भुवनेश्वर यह हूँ प्रमुख स्थान ये संक्रमण कमुना को अधिक लोक यातायात करते विमान बंदर रेल स्टेशन हो कि बस जोगे किसी लोक यातायात कर बाहर राज्य तो से दृष्टिकोण जेहेतु बाहर राज्य संक्रमण बढ़ुच्छे से संक्रमण बढ़ुवा राज्य जो मैंने कर स्वतंत्र नजर रखा हो स्वास्थ्य विभाग कही कि अंपटे आ गोटे चिठी एसआरसी कार्यालय आसी जो कहु जे जो मैंने बाहर आई डबल डोज टीका नहीं सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं आंटीजेन टेस्ट रो जो नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक नहीं आपको नहीं बर्तमान द्वंद्व बढ़ी राज्य सरकार प्रकृत में बाहर फेरुवा लोक फोकस करोहल कर ये जो प्रश्न को नहीं भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न चिट्ठी राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग पक्ष आसुच्ची लोक मित्र द्वंद्व बढ़ी जे प्रकृत में किए ठीक कहती स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर ठीक कहते ना स्वास्थ्य विभाग ठीक कहती जदि स्वास्थ्य विभाग ठीक कहती जो मैंने बाहर राज्य फेर जो मैंने बढ़ुवा राज्य संक्रमण एरिया फेर से स्वतंत्र नजर रखा तो कारण जदि स्वतंत्र नजर रखा आरटीपीसीआर टेस्ट करो मैंने आसर लक्षण अच्छे कि ना जहाँ चिन्हट कर गोटे कथा हूँ जो मैंने डबल डोज नहीं एयरपोर्ट हो रेलवे स्टेशन हो कि बस स्टैंड हो सी जांच कर किंतु जो जांच प्रक्रिया को जब राज्य सरकार हटाई देखते विथड्र करते किभर स्वतंत्र नजर रखा सब बड़ प्रश्न सृष्टि करके प्रश्न सहित कौटना कौटे राज्य सरकार गुरुत्व देते कहीं द्वैत नगरी में कोरोना संक्रमित संख्या बढ़ुची बा कमु ना कहीं गुरुत्व दि जाए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति आम रिपोर्टर आम सहित जोड़े रही है आगक जारी रही खबर अभियान समय एक छोट ब्रेक ब्रेक परे स्वागत एसीएफए समरचन मृत्यु मामला न्याय न मिलले मां को आत्महत्या चेतावनी परिवार को न्याय न मिलले मुख्यमंत्री बासभवन सम्मुखें आत्महत्या करेंगे गणमाध्यम आगे एभली बयान रखिंट सौम्य रंजन मां तुलसी महापात्र एसीएफए सौम्य रंजन मृत्यु मामला को 23 दिन बीती जाए कि परिवार लोके न्याय पाइबार वंचित अच्छा आज सौम्य रंजन मामूं पु भाई प्रियव्रत पंडा मुख्यमंत्री को भेट न्याय दाबी करने को भुवनेश्वर अभिमुखे बाहरी।
कथा आमर एत दुख कष्ट पाठ पढ़ मनीष कर गोटे सरकारी कर्मचारी होता सरकारी लोक कहीं भी आसिक कथा बुझे कि आम कहीं सांत्वना दे सबुद आम दुखर दिन जाऊ मत न्याय मिललानी सरकार चाकरी कर चाप पड़ सरकारी चाप पड़ी बोधे डीएम से छुआ को न्याय मिलूनी यापर कांदी कांदी मरिया अपेक्षा नवीन निवास आत्महत्या करू आमर किसी उपाय ना गत मास जून 25 तारीख में साग बेपारी माड़ मारिबा घटना माड़ मारिबा प्रतिपादरे मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में अभियोग कले दीपक कुमार गिरी कौन से भूल न थाए चाउलियागंज थाना पुलिस दीपक थाना रे प्लास्टिक पाइप रे बाड़ेबा सह असभ्य भाषा रे गाली गुलज करथिले परे दीपक एही घटना को नहीं कटक जिला एसपी चाउलियागंज थाना एसपी और कटक डीसीपी द्वारस्थ होइथिले मध्य तांकु न्याय मिलि नथिला घटना को एक मास बीती जाइथिले सुधा कौन से कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय नहीं तबे न्याय पाई मुख्यमंत्री को निवेदन करिछंती दीपक पारिवारिक कलहर स्त्री को पेट्रोल ढाली निया लगाइथिला स्वामी गुरुतर अवस्था रे महिला को ब्रह्मपुर मेडिकल को स्थानांतर करा जायछि एभली अभावनीय घटना देखा मिली गंजाम जिला आर्जपल्ली मेरायन थाना सान आर्जपल्ली गाँव में गाँव बी मुकडू और स्त्री बी आरामा मध्य बचसा होवर महिला जनक बाप घरे रुते तेरे बी आरामा आज सका कम करने जा गांधी छक निकटने स्वामी पत्नी उपरको पेट्रोल ढाली निया लगे गुरुतर अवस्था स्थानीय लोके महिला प्रथम छत्रपुर मेडिकल पठाई पर ब्रह्मपुर मेडिकल को पठा जा खबर पाई पुलिस पहुंची स्वामी बी मुकडू को काबू करिबा सह थाना रे अटक रखी तदंत चलाई जगत सिंहपुर जिला रघुनाथपुर उत्कलमणि गोपबंधु प्रतिमूर्ति पार्श्व को तीर्तोल दिवंगत विधायक विष्णु दासंक प्रतिमूर्ति स्थापन को नहीं मुंट टेकी बिवाद यार प्रतिपाद करी नवनिर्माण कृषक संगठन और कांग्रेस पक्षर आंदोलन करतकाली राति ठारु धारणा बस प्रतिवाद जारी रखिछन्ते ओएसए नियुक्ति दुर्नीति मामला लांच कारबार और दुर्नीति विरोध में जाजपुर बीजेपी विक्षोभ प्रदर्शन जन को गिरफ्त करी अन्य मानंकु छाड़ी देबा एवं कार्यानुष्ठान न नेबा प्रतिवाद रे जिला युव मोर्चा पक्षर राली करा जायछे गांधी मूर्ति तले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कुश पुतलिका दाह करिछन्ते कर्मी राज्य बीजेपी युव मोर्चा सभापति राशेष आचार्य आह्वान क्रमे विक्षोभ प्रदर्शन करा कांग्रेस मुखपात्र अमीय पांडव सांबादिक सम्मेलनी टाटा पावर सह राज्य सरकार मिसे कोरोना समय राज्यवासी को लुटुछन्ते विद्युत बिल रे साधारण लोकों को लुट करुछे टाटा पावर सरकार तांका व्यावसायिक फायदा को प्राथमिकता दे टाटा पावर हाथ को विद्युत वितरण दायित्व टेकी वर्षे भितरे टाटा पावर असल रूप सामना को आसी सबुठ बड़ कथा सरकार को ज्ञात सारे लुट चली सरकार निरवद्रष्टा साजिंट आमर सप्लाय मान डिस्ट्रीब्यूशन आ बिजुली बिल आदाय दायित्व नहीं तार जो असल रूप ये वर्षक भितर आस्ते 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 कर गोटे परस्त कर तार असल रूप एवं आम सामना को आसूम सब दुख एवं दुर्भाग्यर कथा जे खोद राजधानी रे राजधानी रे जिते बड़े सब घटना घटू सरकार जानी ना बोली जब आम आशा करवा किए कहते हैं मतलब लगे आधार विड़म्बनार विषय किसी न था सरकार ज्ञात सारे सरकार प्रच्छन्न संपृक्ति समर्थन में गोटे बहुत बड़ जॉइंट लूट चली स्कूल बंद को विरोध करी बीओ ऑफिस आगे पिला धारणा छात्र उपस्थान कम थिबा दर्शाई कोरापुट जिला लमतापुट ब्लक अधीन माटिखाल एवं डेंग सेमिली प्राथमिक विद्यालय को बंद करा जाए जहां अंचलवासी विरोध करी आसुछन्ते
ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ଦୁଇ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। छमास पर सर्वसाधारण खोलला काकटपुर अधिष्ठात्री देवी माँ मंगला मंदिर कोरोना कटक भितर भक्तों दर्शन देउछंती माँ पूर्व पट दे भक्त मैंने प्रवेश करेंगे उत्तर पट द्वार प्रस्थान करेंगे सेपरी सेवायत सेवक मैंने दक्षिण पट द्वार प्रवेश माँ का समस्त प्रकार नीति कांति कर्म पूजा सुचारू रूपे करेंगे भक्त मैंने कोविड कटक रही मास्क सानिटाइजर व्यवहार कर मंदिर भितर को प्रवेश करेंगे गर्भगृह को भक्त प्रवेश करें बेढ़ा परिक्रमा करें कौन से भक्त भोग दीप नैवेद्य करें धाड़ी में जा ब्यारिकेड मध्य रही माँ का दर्शन करेंगे प्रसाद सेवन मंदिर भितर हो श्रीमंदिर खोल कि नहीं निष्पत्ति उपरे सारा राज्यवासी नजर आज मुख्य प्रशासक किशन कुमार को अध्यक्षतार अपराह पांचटा नीलाद्री भक्त नवास में बसवाकुवा बैठक निष्पत्ति आसब ए पूरी जिलापाल पूरी एसपी मंदिर प्रशासनिक अधिकारी समेत सेवायत मैंने जोगदे कोरोना द्वितीय लहर जो गत एप्रिल 24 तारीख ठारु भक्त मानी श्रीमंदिर प्रवेश प्रतबंधक लगे तेरे कौन सब कटक र दर्शन नहीं श्रीमंदिर प्रशासन कौन गाइडलाइन जारी कर समस्त नजर रही मंदिर खोलें सेवायत मानक आरंभ कर छोट व्यवसायी एवं होटेल शिल्प पुणि थे चलचंचल हो समस्त आशा रही बर्तमान आसवा खेल संपर्कित खबर पर नजर पकाइबा सेमी फाइनाल हारे बक्सर लवलीना टोक्यो ब्रोंज पदक संतुष्ट होगा पड़ी ओलंपिक्स बक्सिंग रे मेडल जितबारे तृतीय भारतीय होती लवलीना तुर्की विश्व चैंपियन बक्सर बुसनाच लवलीना को शून पांच हर चलित ओलंपिक भारत तृतीय पदक यह पूर्व वेट लिफ्टिंग रे मीराबाई चानू सिल्वर बैडमिंटन रे पीवी सिंधु ब्रोंज पदक जीते सारी लवलीना को यह सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख शुभेच्छा जुड़ाई सेपटे ओलंपिक्स रे भारत पाई बढ़िला पदक आशा कुस्ती सेमीफाइनाल रे रवि दहिया एवं दीपक पुनिया पहुंची 57 केजी रे रवि एवं 86 केजी वर्ग रे दीपक पुनिया दम देखाई रवि कुमार 14-4 रे एवं शेष मुहूर्त रे दीपक 6-3 रे मैच को जीते नहीं थे सेपटे आथलेटिक्स रु भल खबर आसुचे नीरज चोपड़ा जाफलिन थ्रो रे फाइनल रे प्रवेश करिछंते क्वालिफिकेशन राउंड रे 86.65 मीटर दूर जाफलिन थ्रो करी से फाइनल रे प्रवेश करिबा सह भारतर पदक आशा को बढ़ाई सेपटे आज महिला हॉकी टीम पाखरे इतिहास रचिबार सुजोग रहिछे सेमीफाइनाल रे अर्जेंटीना सह मुकाबला करिबो महिला हॉकी दल समय सारी बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।